हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सैयदा खतीजा उम्मे फातिमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वतब। मा अग्नानहु मालुहु वमा कसब। सयस्ला नारन ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات میں سید محمد آپ کو تبت یدا پہ تفسیر اور اس کے معنی بتانا چاہیے. چلیے شروع کرتے ہیں. جاؤ جبریل اور محمد کو یہ پیغام لے کے آؤ. جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے कहा कि ए मोहम्मद, हमारे नबी अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम एक बड़ी दावत रखो. फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी दावत रखी और उसने उन्होंने पूरे अपने खानदान सबको बुलाया. फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे सच्चा मानते हो. सबने कहा जी हम आपको मानते हैं. फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहूँगी इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य तुम्हें तबाह करने आया था, तुम मानोगे? तो सबने कहा जी हम मानेंगे. तो हमारे नबी ने कहा मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का नबी हूँ. फिर अबू लहब ने बोला कि तुमने हमें एक और बार इसी काम के लिए बुलाया है, जाओ तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए और जो तुम दीन लाए वो बर्बाद हो जाए. हमारे नबी बहुत उदास. फिर ऐसे ही अबू लहब उनकी बात ना मानता रहा. फिर ये आय नाजिल हुई अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तब्बत यदा अबी लहब वतब. अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए और हलाक हो जाए. मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब. ना काम आया उसका कुछ माल, ना काम आया जो उसने कमाया. सयस्ला नारन ज़ात लहब. वो पक्का भड़कती आँख में दाखिल होगा. वमरातू हम्मालतल हतब. और उसकी बीबी तो सर पे काटिया झाड़ियाँ लिए फिरती थी. फी जी दिया हबलुम में मसद. वो उसके गले में खजूर की पेड़ की रस्सी होगी. इसमें हम आपको ये बताएं कि अबू लहब के हाथ क्यों टूटेंगे और वो उसके हालात कैसे हुआ. एक मरतबा अबू लहब जो जंग में एक छोटी खरोश लाया, वो खरोश एक दाने में बदल गई और वो धीमे धीमे आप पूरे जिस्म पे उसके फैलने लगी. फिर उसके जिस्म में पस बनने लगा, उससे बदबू आने लगी. फिर उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया और ना काम आया उसका कुछ माल, ना काम आया उसके बच्चे. और फिर मर गया तो उसकी 3 दिन तक की लाश सड़ती रही. फिर कुछ लोग आए और अबू लहब के बच्चों से कहा कि सुनो, तुम्हारा बाप ऐसे ही गल सर रहा है, जा कुछ उनको दफना दो, कुछ सवाब का काम कर लो. तो उनके बच्चों ने खुद नहीं दफनाया. हफ्सी गुलामों से कहा कि जाओ इसको दफना दो, इस लाश को दफना दो. हफ्सी गुलामों ने भी करने को मना कर दिया क्योंकि इससे इतनी बदबू आ रही थी और हफ्सी गुलाम सोच रहे थे कि वो अब हमें ना हो जाए. तो उनके बच्चों ने कहा कि बांस के डंडे लो और उसको एक गड्ढे में धकेल दो. फिर यही हुआ और उसके नाम का माल, उसका नाम माल काम आया, उसका जो उसने कमाया ना उसके बच्चे काम आए और ना जो उसने माल कमाया वो भी काम ना आया. और वो जहन्नम में भी दाखिल होगा. ये आज हमने आपको बताया अबू लहब के बारे में. और ये जो वबा चल रही है कोरोना, ये भी एक अबू लहब की तरह है. ऐसे अबू लहब को वबा हुई थी अल्लाह ताला और हमारे नबी को नाराज़ करने से, वैसे अभी भी अल्लाह ताला और हमारे नबी नाराज़ है. तो उनके खुश करने के लिए हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, हमें अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, हमें जो जो हमने गलत काम किया है और कुरान की तलावत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए. ये आप जितना करेंगे उससे ये वबा ख़त्म होगी. आज हमने आपको ये बताया है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रहे हैं कि हमें लिम्रा एजेंसी में बोलने का मौका मिला. अस्सलाम वालेकुम.